हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ विकास बेटा। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 की एक पोइम, ए बॉयज सॉन्ग। इसके पोइट हैं विल्फर्ड विल्सन गिब्सन। तो टुडे टीचिंग पॉइंट विल बी, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी, थर्ड वर्ड मीनिंग वोकाबुलरी जानेंगे इस कविता की, एंड लास्ट वी विल डिस्कस लाइन टू लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय जानते हैं, आइए चलते हैं अबाउट द पोइट। विल्फर्ड विल्सन गिब्सन वॉज बोर्न एट हेक्शाम इन इंग्लैंड इन 1878। तो विल्फर्ड विल्सन गिब्सन का जन्म 1878 में इंग्लैंड के हेक्शाम प्रांत में हुआ। He was a good friend of the famous poet Rupert Brooke. वह अंग्रेजी के एक सुप्रसिद्ध कवि रूपर्ट ब्रूक के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के कवियों में सबसे स्मार्ट और हैंडसम कवियों में से एक माने जाते हैं। The poem A Boy's Song appeared in his first verse called Mountain Cover, brought out in 1902। तो देखिए, ए बॉयज सॉन्ग नामक ये कविता, एक लड़के का गीत नामक ये कविता, उनके प्रथम पद जिसका नाम है माउंटेन कवर, उसमें 1902 में वह प्रकाशित हुई। तो ये कविता सर्वप्रथम 1902 में विल्फर्ड विल्सन गिब्सन की एक पद माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई। गिब्सन डाइड इन 1962 और गिब्सन का 1962 में देहांत हो गया। तो यह था हमारा कवि परिचय। अब चलते हैं कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए, अबाउट द पोइम में देखते हैं। द पोइम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस, प्रीशियस यानी कीमती या बहुमूल्य गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का अर्थ हो गया निवासी। देखिए, द पोइम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। कविता है प्रकृति के सभी निवासियों के लिए एक कीमती उपहार, बहुमूल्य उपहार स्वतंत्रता के बारे में। यानी ये कविता है इस प्रकृति पे निवास करने वाले सभी जो मानव प्राणी जानवर जो हैं उनको मिला स्वतंत्रता रूपी कीमती उपहार है उसके बारे में है। देखिए, लाइक मैन मनुष्यों के समान बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। मैनिफेस्टेशन का अर्थ हो गया प्रकटीकरण। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई। लिमिटलेस का अर्थ अनंत, असीमित, वास्ट यानी विशाल, एक्सपेंस यानी विस्तार। तो देखिए, समझिए, लाइक मैन मनुष्यों के समान, बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। मनुष्यों के समान जो पक्षी हैं वो भी जीवन के महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है। यानी जितना मनुष्य का महत्व है इस प्रकृति में, उतना ही पक्षियों का या अन्य जानवरों का आदि का है। तो पक्षी जीवन के महत्वपूर्ण प्रकटीकरण हैं। देट एड, जो कि जोड़ते हैं, बढ़ाते हैं, टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता के आनंद में वृद्धि करते हैं। ओनली वेन, और ऐसा केवल तब होता है, दे आर अलाउड, जब उन्हें अनुमति दी जाती है टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर, जब उन्हें उड़ने दिया जाता है इस खुली हवा में, खुले आसमान में, एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, जब उन्हें इस विशाल अनंत असीमित विस्तार वाले आसमान में उन्हें खुला उड़ने दिया जाता है, तो वे प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं और मानवता के आनंद में अभिवृद्धि करते हैं। तो देखिए संक्षिप्त में कि ये कविता है प्रकृति के एक महत्वपूर्ण उपहार जो कि इसके सभी प्राणियों को मिला है, और वह उपहार स्वतंत्रता,
उसके बारे में है। मनुष्य के समान पक्षी भी जीवन के महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है और वह प्रकृति की सुंदरता में और मानव के आनंद में अभिवृद्धि करते हैं जब उन्हें इस असीमित अनंत विस्तार वाले आसमान में उड़ने दिया जाता है। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय। ये जो कविता है वह कवि के इंटेंस घने आनंद के भावों को अभिव्यक्त करती है। विच स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी प्रकट होना, विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, अनुभूति जो उसकी इस अनुभूति से उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, दैट ऑल बर्ड्स कि सारे जो पक्षी हैं अनकेज्ड हैं, जो पिंजरे में कैद नहीं हैं, एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ते हैं, विचरण करते हैं, फ्रॉम दी ग्रीन ट्रीज टू दी ब्राइट स्काइज, जो हरे भरे खेत खलियानों से लेकर इस चमकीले आसमान में उड़ान भरते हैं। कवि कह रहे हैं बिलोंग टू हिम, वो सारे आसमान के पक्षी जो उन्मुक्त रूप से उड़ान भर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, कि जो कि पिंजरे में कैद नहीं है और हरे भरे खेत खलियानों में घूम रहे हैं और इस चमकीले आसमान में उड़ान भर रहे हैं, वो उससे संबंध रखते हैं। बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, क्योंकि कवि है पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता है, एंड केज देम और उनको पिंजरे में नहीं डालता है। आगे देखिए द पोएट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक एस्टेब्लिशेज यानी स्थापित करता है एन इमोशनल यानी भावनात्मक बॉन्ड यानी संबंध। तो कवि इस कविता में पक्षियों के प्रति सफलतापूर्वक एक भावनात्मक संबंध उनके साथ स्थापित करता है विद द बर्ड्स एंड दस इस प्रकार सोज ए टेंडेंसी, टेंडेंसी का अर्थ हो गया प्रवृत्ति, तो वह इस प्रकार उन पक्षियों के प्रति इम्पैथी यानी समानुभूति। तो देखिए वापस बता रहा हूँ, कवि इस कविता के माध्यम से पक्षियों के प्रति एक भावनात्मक संबंध सफलतापूर्वक स्थापित करता है और इस प्रकार उनके प्रति समानुभूति की जो प्रवृत्ति है वह दर्शाता है कि वह पक्षियों के प्रति बड़ा इमोशनल है, बड़ा एम्पैथेटिक उनके प्रति उनका बिहेवियर है। तो यह था हमारा कविता का संक्षिप्त परिचय। अब चलते हैं लाइन टू लाइन कंप्लीट स्टंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम ए बॉयज सॉन्ग। बिकॉज आई सेट नो स्नेर बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, all the birds of the air belong to me, from the polluted on the slow to the eagle on the head, uncaged they come and go for my delight, and so the sunward way I soar on the eagle's wings and in my
had all day the blue tit sings. तो यह है हमारी कविता ए बॉयज सॉन्ग। तो ए बॉयज सॉन्ग एक छोटी सी कविता है, तीन स्टांज हैं इसके, देखे एक बार रीड कर लेते हैं। बिकॉज आई सेट नो सनेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हेट, अनकिस द कम एंड गो फॉर माई डिलेट, एंड सो द सनवार्ड वे आई श्योर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। देखिए स्टांजा वाइज इसको आप अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले स्टांजा में कवि कह रहा है बिकॉज आई सेट नो शनेर, क्योंकि मैं कोई शनेर कोई जाल या फंदा नहीं बिछाता हूँ, बट लिव देम फ्लाइंग फ्री। कवि कह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल या फंदा नहीं बिछाता हूँ, जबकि मैं क्या करता हूँ उनको इस खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल दी बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के तमाम जो पक्षी हैं, हवा में उड़ान भरने वाले जो सारे पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, कि वो सारे पक्षी मेरे से संबंध रखते हैं, मेरे हैं। तो देखिए कवि क्या कह रहा है, पहले स्टंजा में कवि कह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, उनको कैद नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उन्हें इस खुले आसमान में उड़ान भरने देता हूँ, इसलिए इस हवा में विचरण करने वाले सारे पक्षी मेरे से संबंध रखते हैं। तो दूसरा स्टंजा देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट का मतलब हो गया छोटी चिड़िया, स्लो का मतलब हो गया जंगली बेर, जंगली बेर, टू द ईगल ऑन द हेट ऊंचाई, अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब खुशी। दूसरे देखे इन द सेकेंड स्टांजा द पोइट पार्टिकुलरली मेंशंस टू बर्ड फ्रॉम द नेचर, टू बर्ड्स फ्रॉम द नेचर, द पोइट पिक्स टू बर्ड्स फ्रॉम द नेचर। इस स्टांजा में वैसे तो पहले स्टांजा में कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ने वाले सारे ही पक्षी मेरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि मैं उनको जाल में कैद नहीं करता हूँ, और दूसरे स्टांजा में ही फिक्स टू बर्ड्स फ्रॉम नेचर पार्टिकुलरली, विशेष तौर से वह दो पक्षियों का जिक्र दूसरे स्टांजा में करता है, पहला हो गया ईगल और दूसरा हो गया ब्लू टिट। ईगल यानी गरुड़ पक्षी, बाज पक्षी, दूसरा बलूटूट एक छोटी चिड़िया होती है जो जंगली बेर पर बैठती है। दूसरे स्टंजा में कवि क्या कह रहा है, फ्रॉम दी ब्लू टिट ऑन दी स्लो, कि उस जंगली बेर पर बैठने वाली वह छोटी चिड़िया जो मधुर गाना गाती रहती है, और टू दी ईगल ऑन दी हेट, चाहे वह आसमान में अनंत ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज पक्षी ही क्यों ना हो, वो सारे अनकेज्ड खुले हैं, पिंजरे में कैद नहीं है, और दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट, और इससे मेरे आनंद में अभिवृद्धि होती है। दूसरे स्टांजा में कवि क्या कह रहा है कि उस छोटी चिड़िया से लेकर उस बाज पक्षी तक वो सारे पक्षी मेरे पास आते जाते रहते हैं, और इससे मुझे आनंद की अभिवृद्धि होती है। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस स्टांजा के माध्यम से कवि का इन पक्षियों के प्रति सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक जो बिहेवियर है वह प्रकट होता है, और वह हमें भी एक मैसेज, ह्यूमैनिटी को भी एक मैसेज देता है कि हमें पक्षियों को ट्रैप नहीं करना चाहिए, हमें उनको जाल में नहीं डालना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस खुले आसमान में उड़ने वाले होते हैं। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि वो जो पंछी होते हैं वो खुले आसमान में सैर करने के लिए, विचरण करने के लिए होते हैं, यदि आप उन्हें पिंजरे में कैद कर दोगे तो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो स्वाधीनता है वो खत्म हो जाएगी, उनकी जो स्वतंत्रता है उसका आप हनन करते हो। और यहाँ पर हमारी कविता भी मानवों की तरह ही पक्षियों को जो मिली प्रकृति का एक अनमोल तोहफा या उपहार स्वतंत्रता के बारे में है, तो उस कविता में भी यही कहा गया है कि यदि आप पक्षी को सोने के पिंजरे में भी कैद कर दोगे, उसे सोने के कटोरों में भी कुछ खिलाओगे ना,
तो वह उस सोने के कटोरे और सोने के पिंजरे के बजाय वह खुले आसमान का चयन करेगा, वह खुले आसमान में उड़ना पसंद करेगा। तो कवि इतना सा संदेश देना चाह रहा है कि हमें पक्षियों को बंधक या कैद में नहीं रखना चाहिए। थर्ड स्टांजा, एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिड सिंग्स। देखिए कवि है, पक्षियों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, वह उनसे बड़ी सहानुभूति और समानुभूति रखता है। तो वह उनसे इतना प्रेम करता है कि जब वह ईगल पक्षी आसमान में उड़ान भरता है, तो देखिए कवि कह रहे हैं एंड सो दी सनवार्ड वे, वह ईगल पक्षी जब आसमान में उड़ान भरता है, जब वह सूर्य की ओर जा रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से, वह ऐसा सोचता है कि आई आल्सो सोर, यानी राइड, सवार होना, कि आई आल्सो राइड ऑन द ईगल्स विंग्स। उस कवि को लगता है कि वह खुद उस बाज पक्षी के पंखों पर सवार होकर सूर्य की ओर उड़ान भर रहा है, यानी वह पक्षियों से इतना प्रेम करता है कि वह ऐसा सोचता है कि मैं खुद बाज के पंखों पर सवार होकर उड़ान भर रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिड सिंग्स, और पूरे दिन उस कवि के हृदय में वह छोटी चिड़िया मधुर गीत गाती रहती है। तो ये थी हमारी कविता ए बॉय सॉन्ग। देखिए कवि इस कविता के माध्यम से ह्यूमैनिटी को एक संदेश देना चाहता है कि हमारा जो व्यवहार है पक्षियों के प्रति बड़ा एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होना चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति और समानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए, हमें उन पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, जाल या पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें हमारी स्वतंत्रता स्वाधीनता पसंद होती है, उसी प्रकार हमें पक्षियों की भी स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई हमारी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करना चाहे, कोई हमारी स्वतंत्रता हमसे छीनना चाहे, तो क्या हम उस दखलअंदाजी को बर्दाश्त करेंगे? नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें कोई हक या हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम पक्षियों से उनकी स्वतंत्रता या स्वाधीनता को छीने। तो यदि आपको ये कविता पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।